नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और आज हम आपको बता दें कि स्पेशल कवरेज है जो कि गोला बजाते हसनपुरा ठाकुरबाड़ी मंदिर उसमें शनि भगवान का स्थापना हुआ था पिछला साल, उन्हीं के ये एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकला है और कुछ दिन पहले वहाँ पे दो दिन पहले अटजाम भी हुआ था, पूजा अर्चना हुआ है और आज शोभा यात्रा निकला है जो कि गोला बाजार से होते हुए होली होते हुए नरसिंह बाबा के होते हुए काली स्थान आया है शोभा यात्रा। और यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का देख सकते हैं जो भक्तगण है कितने जमावड़ा है और जय घोष के नारों से गुंजायमान है हसनपुरा नगर पंचायत और अभी चेयरमैन प्रत्याशी यहाँ के मोतीलाल प्रसाद जी हैं, समाज सेवी है। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ के जो मेहमान है उनसे और पूछते हैं किस उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकला है और क्या पूजा का आगे का उनका प्लान है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साल का अंजाम के बाद हम लोग शोभा देखते हुए माता स्थान पर इसके बाद में और कुछ होना है वहाँ पे आयोजन भंडारा होना है। उस भंडारे में मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े क्या नाम हुआ आपका? हमारे साथ भावी चेयरमैन प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद जी भी हैं, स्थानीय निवासी नगर पंचायत के और ये समाज सेवा में आगे रहते हैं। सर आप बताइए इस तरह का आयोजन क्या हर साल होता है और हर छह महीने का आप लोग कराते हैं? हम लोग ये सालाना थी है, अगले साल शनि भगवान का स्थापना हुआ था उसी का सालाना के थी में हम लोग निकाले हुए हैं, इसमें भंडारा भी होगा। प्रशासन भी बहुत मुस्तैद है इस जुलूस को लेकर और चारों तरफ मतलब बहुत शांतिपूर्वक जी प्रशासन का मैसेज रहेगा हसनपुरा नगर पंचायत वासियों का है और ये प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है जुलूस में कपड़े कपड़ा करने के लिए। क्या मैसेज देंगे आज आप? मैसेज देंगे सब लोग भंडारा में आए, वहाँ भंडारा होने वाला है, सब लोग आए नगर पंचायत के लोग सब लोग को हार्दिक रुकिएगा आप सुन मिला है ना आप दे शनि स्थापना के एक साल के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा आज निकाला गया है हसनपुरा नगर पंचायत गोला बाजार से होते हुए नरसिंह बाबा के स्थान होते हुए काली स्थान तक शोभा यात्रा पहुंचा है और महिलाओं का जो भक्त है महिला भक्त है वो हमारे साथ आज मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रशिक्षित दरोगा जो कि श्वेता कुमारी है, अभी हाल ही फिलहाल में इनका ज्वाइनिंग हुआ है, इनसे भी हम जानेंगे किस तरह का इन्होंने आज वो भी काफी यही कि ये जो आयोजन है ये एकता को दर्शाता है, बस यही एकता सबके मन में हमेशा बने रहे। I'm not afraid.
यात्रा वापस घूमकर ठाकुरबाड़ी पहुंचना चुका है। भगवान का जो मूर्ति है वही स्थापना हुआ था पिछले साल, उसी के संदर्भ में उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकला था। हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के व्यवस्थापक और यहाँ के यह वार्षिक उत्सव है जो शनि मंदिर अगले साल स्थापित किए गए। यह जो मंदिर ठाकुरबाड़ी मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 150 साल पहले का मंदिर है और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता और लोगों की हमेशा कल्याण की कामना करने के लिए यह मंदिर में लोग आते हैं और श्रद्धा से भी पूजा पाठ करते हैं। ये तो शनि भगवान के स्थापना दिवस शुभ अवसर पर शोभा यात्रा और क्या क्या यहाँ पे आयोजन होता है जो हिंदू धर्म में पूजे होते हैं? यहाँ शिवरात्रि की जाती है और विभिन्न प्रत्येक महीने में इस मंदिर ठाकुरबाड़ी मंदिर है प्रत्येक महीने में। अभी फिलहाल आएगी रामनवमी, रामनवमी के उपलक्ष्य में राम धर्म उत्सव मनाई जाती है और यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही रहता है लोगों को जमा का। ये थे मनोज मिश्रा जी जो ठाकुरबाड़ी मंदिर के व्यवस्थापक थे और ये हमारे महंत जो यहाँ के महंत हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये माता बोला युवा भी हैं और सब सुंदर कार्य हो रहा है। असल में ये शनि महाराज का वार्षिक सालगिरह है, अगले साल भी उनका सपना करा है और ये सालाना भव्य शोभा यात्रा और हम साल हम लोग इस बात पर जैसा लगा इस शोभा यात्रा शुरुआत में और भी लोग बातचीत कर रहे हैं इस तरह से शामिल होकर इस शोभा यात्रा में सभी तरफ शांतिपूर्वक माहौल में शोभा यात्रा गाँव वालों के सहयोग से अगले साल भी शनि भगवान का मूर्ति का स्थापना हुआ। इस साल भी उनका शोभा यात्रा निकालता पूरा गाँव में भ्रमण हुआ जो पूरे गाँव के लोग एक साथ थे यही चाहिए कि एक साथ बनाए रखें आगे भी रहता हूँ। मेरा नाम ये भंडारा भी लगा हुआ है प्रसाद वितरण किया जाएगा जो कि शनि महाराज को खिचड़ी बनाया जाता है तो एक स्पेशल भोज है शनि भगवान के लिए जो प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। सभी बच्चे बुजुर्ग और जितने कन्याएं हैं महिलाएं हैं उन सब के बीच ये वितरण किया जाएगा और हर साल इस साल भी और दिवस के अवसर पर इसके अलावा हर वीक में ये प्रसाद बनता है और वितरण किया जाता है सभी भक्तों के लिए। आप ऐसे देखते रहिए संपूर्ण न्यूज एक्सप्रेस अपने आस पास के खबरों के लिए लाइक करें क्लिक करें सब्सक्राइब करें संपूर्ण न्यूज एक्सप्रेस।